a seminar, the number of participants in seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics, in Hindi, comma, English and Maths, and Maths are 60, are 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated. And all of them being in the same subject. बताइए जी, सोचकर क्या हो सकता है? LCM या HCF? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो सेमिनार लिखा हुआ है, ये सेमिनार क्या होता है? हम ये कहेंगे कि अगर इसमें है इन सेमिनार का नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है? तो एक हिंदी का सेमिनार हो रहा है, सेमिनार का मतलब क्या है कि उसमें हिंदी का कोई टॉपिक दिया जाता है और पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उस पर अपने अपने व्यूज रखते हैं, ठीक है? सब अपने अपने व्यूज रखते हैं और फिर कोई एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम की बात करी जाती है, उस प्रॉब्लम में सब लोग अपने 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 व्यूज रखते हैं और फिर उसका एक कॉमन कंक्लूजन निकाला जाता है, समझ गए? तो ये हो गया सेमिनार, ये सेमिनार होता है। अच्छा, तो एक हिंदी का सेमिनार है, एक इंग्लिश का सेमिनार है और एक मैथ्स का सेमिनार है। सेमिनार इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है कि सब अपने अपने व्यूज देंगे और फिर जो बेस्ट व्यू है वो सेलेक्ट किया जाता है सबकी कॉमन राय के साथ, कॉमन एडवाइस के साथ। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब रूम्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टिसिपेंट्स को रूम के अंदर बिठाना है। देखो, हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट्स है, मतलब 60 कंटेस्टेंट है, 60 लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ रूम 60 से ज्यादा चाहिए होंगे, समझ गए भाई? ऐसा तो है नहीं कि एक एक आदमी को एक एक रूम दे दिया हमने। अगर एक एक आदमी को एक एक रूम भी देंगे तो भी 60 रूम बनेंगे, समझ गए? अच्छा, इसका मतलब जैसे मान लो 60 है हमने इसमें 10-10 लोगों को, 10-10 लोगों को एक एक रूम में हमने बैठा दिया, तो हिंदी वालों को कितने कमरे चाहिए होंगे? फिर 6 कमरे, ठीक है? तो नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो वो जो नंबर ऑफ रूम्स है वो तो एक छोटी टर्म होगी ना भाई, 60 से ज्यादा रूम तो नहीं चाहिए होंगे, 60 से तो कम ही चाहिए होंगे, ठीक है? क्योंकि एक रूम में एक से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, दो बैठ सकते हैं, चार बैठ सकते हैं, 10 बैठ सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी रूम 84 से तो कम ही चाहिए होंगे, ज्यादा तो नहीं,
108 है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, उनको भी 108 से कम रूम्स चाहिए होंगे, ज्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब जब मुझे छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है तो मैं एचसीएफ निकालता हूँ। समझ गए? बताइए जी, समझ में आ गया कि एचसीएफ है यहाँ पर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस, हाँ जी, हम बस एक लाइन लिखेंगे यहाँ। HCF 12R। हाँ जी, एक मिनट वेट करिए। HCF निकलेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स 60 से ज्यादा नहीं हो सकते, नंबर ऑफ रूम्स 84 से ज्यादा नहीं हो सकते, 108 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, जब कम वैल्यू होती है तो HCF निकाला जाता है। तो यहाँ मेंशन करेंगे क्लियरली calculate HCF here for finding out, really we will calculate HCF here for finding out minimum or finding out minimum number of rooms. देखिएगा 60 जो है ऐसे लिखेंगे 2 30s 2 15s 5 1s, ये तो हो गया 60। उसके बाद 84 2 42s 2 21s 3 7s 7 1s, ये हो गया 84। 84 के बाद 108 का देखिएगा, 2 54s 2 27s 3 9s 3 3s 3 1s, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद देखिएगा इसमें क्या है कि हमने बोला कि 60 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 60 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, ये हो गया फिर 84 में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, अब यहां पर 5 तो है नहीं तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 लेकिन 7 है तो लिख दो 7 की पावर 1, लेकिन ऊपर 7 नहीं था तो 7 की पावर 0। फिर है 108, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 के नीचे लिखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 के नीचे लिखिए, फिर 5 और 7 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, ये हो गया। अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हो गया 2 की पावर 2, छोटी पावर्स देखते हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 4 इंटू 3 5 की पावर 0 हो गया 1 7 की पावर 0 हो गया 1, ये क्या हो गया 1, HCF हो गया 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिएगा कि HCF मेरे पास 12 आ गया, जब HCF 12 आ गया तो इसमें
वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, लेकिन मैंने जो ये एचसीएफ निकाला है ये रूम्स का नहीं निकाला, मैंने एचसीएफ किसका निकाला है, ये कंटेस्टेंट है 60 84 108, ये मैंने कंटेस्टेंट्स का एचसीएफ निकाला है, समझ गया मेरी बात, ये कंटेस्टेंट्स का हमने एचसीएफ निकाला है। तो हमने ये कहा कि इन तीनों का एक फैक्टर है 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये बताइए कि हिंदी वालों को कितने रूम चाहिए होंगे, एक रूम में हम 12 लोगों को बिठा सकते हैं। ये एचसीएफ आया किसका, ये एचसीएफ आया कंटेस्टेंट्स का, रूम का नहीं निकाला। तो मैं ये कहूंगा ईच रूम विल हैव वन पार्टिसिपेंट, ईच रूम विल हैव वन पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ हिंदी रूम्स। आप देखिए एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे और हिंदी में टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं 60, तो हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए होंगे, 60 अपॉन 12 5 का 60 हो गया, ये समझ में आ गया। बताइए अमन, दिशा, दिव्यांशी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। इसी तरीके से नंबर ऑफ इंग्लिश रूम्स, हाँ इसमें सर मुझे वैसे मैं समझ गया, लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि ये तो दो रूम्स में इक्वली सेट हो जाएंगे, मतलब इक्वली बैठ सकते। हमने क्या देखा, हम ये कहेंगे कि किसी भी केस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, है ना, मतलब जो रूम्स उनको चाहिए वो 60 ही चाहिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम नहीं, मतलब उससे ज्यादा नहीं होंगे, 60 से कम रूम चाहिए होगा उनको। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी इन तीनों को यूज करके, या तो मैं एचसीएफ निकालूंगा या एलसीएम निकालूंगा, तो वैल्यू ज्यादा नहीं आ सकती, कम आएगी, समझ गए ना, वैल्यू ज्यादा नहीं आ सकती, कम आएगी, तो वो कम वैल्यू जो है वो एचसीएफ आ गई, तो 12 आ गई एचसीएफ। तो वो 12 को रूम्स कितने चाहिए होंगे वो देखना है। तो इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स तो 84 है, एचसीएफ क्या आया 12, तो इंग्लिश के लिए कितने कमरे हो गए, सबको अलग अलग डिवाइड करने से अच्छा सबको एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं सबको एक साथ डिवाइड नहीं करोगे, उससे ये पता चल जाएगा, कई बार क्या होता है वो पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू द सीरीज एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि हिंदी में हिंदी के लिए 5 कमरे चाहिए, इंग्लिश के लिए 7 कमरे चाहिए, और मैथ्स के लिए वो मैं अलग निकालूंगा। तो कई बार क्या है इसमें अलग अलग पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर अलग अलग निकालेंगे तो ज्यादा बेटर है, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक साथ ही ऐड करके और 12 से डिवाइड कर दूं तो वो भी गलत नहीं होगा, होगा वो भी ठीक, मैंने सर वैसे ही किया इस क्वेश्चन में, वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं ना कि आप अलग अलग रूम्स बताइए, तो फिर ये करना होगा तरीका, समझ गए, लेकिन यहाँ पर जो तुम कह रहे हो वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। नंबर ऑफ मतलब अगर मैं हिंदी वाला भी रूम उठाऊंगा तो भी एक रूम में 12 कंटेस्टेंट होंगे, मैं मैथ्स वाला उठाऊंगा तो भी एक रूम में 12 होंगे, बस रूम्स बढ़ जाएंगे। आप ये देखो 108 और 12 9 पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, 4 टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी 5 + 7 + 9 = 21, समझ गए, बताइए बेटा क्लियर है?